नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपसे पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ लीगल, और इनफैक्ट वो हम सभी की ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। हम जनरली अपने घरों में रजिस्टर्ड प्लेसमेंट एजेंसी से मेड सर्वेंट्स रख लेते हैं, और उसमें जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं या करते नहीं हैं, जानबूझ के अवॉइड करते हैं। तो उससे कई बार हमें बहुत परेशानियां हो जाती हैं। मैं अभी रिसेंटली एक केस में मैं डील कर रहा हूँ इस तरह के केस से, तो उसमें भी वो काफ़ी संपन्न परिवार से व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कोई मेड रखी थी, और वो मेड जो है हालांकि जो उनके पास उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की थी, अच्छे से उन्होंने मेड का सारा वेरिफिकेशन वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन, एज वगैरह सब उन्होंने ठीक से देख कर के ही प्लेसमेंट एजेंसी से किया था, लेकिन क्योंकि वो प्लेसमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड नहीं थी और ऑथेंटिक नहीं थी, तो थोड़ा सा उनको परेशानी बढ़ गई और उनको कोर्ट में आना पड़ गया, क्योंकि उनको ये प्रूव करना पड़ा कि भाई मेरी इसमें कोई वो गलती नहीं है और मैंने पूरी वेरिफिकेशन करवाई थी, ये वो 10 बातें, और वो बालिग थी, इस तरह की बातें जो एक सर्टेन एज होती है 14 इयर्स की, वो कंप्लीट कर चुकी थी। हालांकि पेपर्स में कई बार ये जो प्लेसमेंट एजेंसी वाले हैं ये कुछ उलटफेर भी करते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि इनको कमाना है तो ये छोटे बच्चियों को उठा लाते हैं और उनको घरों में एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ये जॉब दिला देते हैं, और उसमें कई बार आम सिविलियन फंस जाते हैं, और फिर ऊपर से एनजीओज होती हैं वो इस चीज़ का और फ़ायदा उठाती हैं, और पूरा आप समझ लीजिए मैटर ही बदल जाता है, क्योंकि वो भी पीछे पड़ जाती है कि बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये है वो है, दस तरह कानून। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप कोई मेड आप लेते हैं कहीं से प्लेसमेंट एजेंसी से, तो आप वो रजिस्टर्ड हो, उसकी तहकीकात अच्छे से करें, वो मेजर होनी चाहिए, माइनर ना हो, और जो एम्प्लॉयर है वो उसको पूरी सैलरी जो आप दे रहे हो वो उसको देता हो, है ना, अपनी कुछ कमीशन वगैरह वो तो लेते ही हैं लोग थोड़ा बहुत, वो अपनी लेके और उसको एक अच्छी अमाउंट दे रहा हो, जो आप दे रहे हैं उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट वो उसको दे रहा हो, और उसको वो ठीक से हो, मतलब कि आपके हिसाब से वो ठीक हो, कुछ ऐसा ना हो जो इलीगल हो उनके साथ, और पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। तो इस तरह के केस में जब फंस जाते हैं आदमी, तो नॉर्मली केस जब आता है तो काफ़ी संगीन उसमें मामला बन जाता है, और ट्रायल कोर्ट में सेशंस में ये मामले चलते हैं, तो हमेशा सतर्क रहें और इस तरह के मामलों में इन बातों का बड़े गौर से ध्यान रखें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।